अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैब ग्राम। वी आर लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन। आज के लेसन में हम ये तीन फ्रेजल वर्ड्स हैं जिनको समझेंगे, हैंड इन, हैंड आउट और हैंड ओवर। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी आप में से कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इनका जो डिफरेंस है उसको जानना इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम्स में आ जाता है। स्पोकन इंग्लिश के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जाहिर बात है। ये स्पोकन इंग्लिश में फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होने वाले फ्रेजल वर्ब्स हैं जो आप अपनी या स्कूल कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, या आप अपनी वर्क प्लेस पे इनको इस्तेमाल करते हैं। और इनमें क्या डिफरेंस है, क्योंकि अगर आप इसको गलत इस्तेमाल कर लेंगे गलत मीनिंग में, तो जाहिर बात है कि फिर इंसान को एम्बैरेसमेंट हो सकती है। तो इसलिए इनके जो सही मीनिंग है वो समझेंगे, आज इनको कहाँ इस्तेमाल करना है वो समझेंगे। तो पहला जो हमारे पास फ्रेजल वर्ब है वो है जी हैंड इन। हैंड इन हम कब यूज करते हैं? हैंड इन तब यूज किया जाता है टू सबमिट समथिंग और गिव समथिंग टू समवन इन अथॉरिटी। किसी चीज को हैंड इन करने का मतलब ये है कि आप सबमिट करवा रहे हैं। जैसे कि असाइनमेंट्स होती हैं जो हम अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो सबमिट करवाते हैं, तो हम हैंड इन करते हैं अपने टीचर को। इसी तरह से जैसे वर्क प्लेस के ऊपर आप अपने जो भी बॉस होता है उसको कोई आपने रिपोर्ट आपने सबमिट करवानी है, तो वो आप रिपोर्ट उसको अपने बॉस को हैंड इन करते हैं। इसी तरह से जैसे कहीं पर आप किसी अदारे में गए हैं, वहां पर आपको दिया जाता है ना फॉर्म वगैरह के, जी फॉर्म ये फिल करके तो जी इसको सबमिट करवा दें, तो आप वो जो फॉर्म्स फिल करते हैं तो उस अदारे में वो डॉक्यूमेंट्स या वो जो फॉर्म होता है जो भी उन्होंने आपसे रिक्वायर किया होता है आप उनको सबमिट करवाते हैं। तो इसका मतलब कि आप उनको हैंड इन कर रहे हैं। तो हैंड इन का मतलब ये होता है कि किसी भी अथॉरिटी पे बैठे हुए इंसान को कोई भी इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है उसको सबमिट करवाना। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू हैंड इन देयर असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। अभी स्टूडेंट्स को ये मतलब उनको रिक्वायरमेंट दी गई है कि जुमे तक जो है वो, फ्राइडे तक वो अपनी तमाम असाइनमेंट्स हैंड इन कर दें, मतलब अपनी तमाम असाइनमेंट्स जो है वो सबमिट करवा दें। ठीक है, इसी तरह से सेकंड जो सेंटेंस है, प्लीज मेक श्योर टू हैंड इन योर कंप्लीटेड फॉर्म्स बिफोर लीविंग द ऑफिस। ऑफिस में कोई फॉर्म्स वगैरह दिए गए हैं सारे जो भी एम्प्लॉयज हैं और उनको कहा गया है कि ये फॉर्म्स आपने फिल करके तो ऑफिस से जाने से पहले, बिफोर लीविंग द ऑफिस, ऑफिस से जाने से पहले आपने वो हैंड इन कर दे हैं, मतलब कि वो फॉर्म्स जो है फिल करके सबमिट करवाने हैं। तो ये हो गया जी हैंड इन। अब सेकेंड वाला जो है वो है जी हैंड आउट। अब हैंड इन और हैंड आउट में क्या फर्क है? हैंड आउट का मतलब ये होता है टू डिस्ट्रीब्यूट और गिव समथिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे क्लास में जो है वो टीचर जो है, अगर आप वर्कशीट्स जो वो सारे स्टूडेंट्स में, या जैसे हम एग्जाम्स में बैठते हैं तो क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो सारे स्टूडेंट्स को जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो वो क्या किया जाता है, वो जो टीचर होती है या वो जो भी इन्विजिलेटर होता है या होती है वहां पर जो भी एग्जाम्स के दौरान में, तो वो हैंड आउट करते हैं तमाम क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है, इसी तरह से फ्लायर्स जो होते हैं वो हैंड आउट किए जाते हैं जितने भी लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों में जब कोई चीज बांटी जाती है ना तो उसको हैंड आउट करना कहते हैं, मतलब सब में कोई सी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना। हैंड इन का क्या मतलब होता है? सबमिट करवाना। आप देखिए मिलते जुलते हैं लेकिन सिर्फ जो है ना थोड़ा सा भी प्रपोजिशन के फर्क से कितना जो है ना डिफरेंट हो जाता है, उसका मीनिंग एंटायरली जो है ना वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। तो हैंड आउट का मतलब हो गया कि किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत सारे लोगों के बीच में। ठीक है, जैसे कि अभी आप इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं, द टीचर हैंडेड आउट वर्कशीट्स टू द स्टूडेंट्स। ये वर्कशीट्स जो होती हैं जिसपे के बच्चे जो है वो अपना आंसर जो लिखते हैं, तो सारी जो वर्कशीट्स है वो टीचर ने क्या किया, वो स्टूडेंट्स में हैंड आउट किया, मतलब उसने तमाम स्टूडेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट की। इसी तरह से जैसे है, द टीचर हैंडेड आउट प्राइजेस टू द विनर्स ऑफ द साइंस फेयर। के जो प्राइजेस जो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, जो जब भी जैसे अभी साइंस फेयर लिखा हुआ है, जैसे जो भी एनुअल फेयर हो सकता है, कुछ भी जो इवेंट होते हैं उनमें जो टीचर्स जो है वो प्राइजेस वगैरह जो बांटे जाते हैं, तो वो क्या किए जाते हैं, वो हैंड आउट किए जाते हैं। अब इसका हम लास्ट वाला समझ लेते हैं जो कि है हैंड ओवर। क्योंकि ये आप जब एग्जाम्स में जो भी आप में से अपेयर होने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये आ सकते हैं आपको एग्जाम्स में, और टीचर जो भी टीचर है जिसने भी वो क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं वो आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, हैंड ओवर का क्या मतलब? हैंड ओवर का मतलब होता है टू ट्रांसफर और सरेंडर समथिंग।
समवन एल्स, जो भी अथॉरिटी में कोई इंसान है, उसको कोई अथॉरिटी को एक एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफर कर देना। जैसे एक पोजीशन पे कोई शख्स बैठा है, अब उसको कहा गया है कि जी आप इस पोजीशन से हट जाएं और अब इस पोजीशन पे जो भी आपकी अथॉरिटी है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटीज है, वो आप अब दूसरे अपनी जगह पर आने वाले दूसरे इंसान को दे दें। वो क्या किया जा रहा है, वो हैंड ओवर किया जा रहा है, उस अथॉरिटी को हैंड ओवर किया जा रहा है। इसी तरह से कोई इंसान अपने पास जो चीज है, वो चीज उससे डिमांड की जाती है कि वो जो चीज जो है ना, वो किसी दूसरे इंसान को दे दे, तो उसने वो चीज जो है वो दूसरे इंसान को हैंड ओवर की है। ठीक है, कि सरेंडर कर देना। सरेंडर करने के मीनिंग में आएगा, सरेंडर क्या होता है कि आप सरेंडर कर रहे हैं इस चीज पे कि ठीक है भाई, मैं जो ना ये चीज आप दूसरे इंसान को दे रहा हूँ या दे रही हूँ, या आप जो है ना वो ट्रांसफर कर रहे हैं। और इसमें चीज जहन में रखिएगा कि ये जो सरेंडर और जो भी ट्रांसफर हो रही है चीज, वो जो अथॉरिटी पे बैठे हुए लोग है ना, उनके ऑर्डर की वजह से, उनकी डिमांड की वजह से हो रही है। आपको एग्जांपल में समझ में आएगी। जैसे ये द सस्पेक्ट वाज फोर्स्ड टू हैंड ओवर हिज वेपन टू द पुलिस। ठीक है, अब यहाँ पर सरेंडर के मीनिंग में आ रहा है हैंड ओवर, कि जो भी सस्पेक्ट था उसे फोर्स किया गया, ठीक है, उसे मजबूर किया गया कि वो हैंड ओवर कर दे, मतलब वो सरेंडर कर दे, उसके हाथ में जो वेपन है अब वो वेपन को सरेंडर करे और वो पुलिस को दे दे। तो एक, ठीक है, एक किस्म की एक चीज दूसरे इंसान को दी जा रही है, लेकिन उसमें ये देख लीजिएगा, हैंड ओवर में ये इम्प्लाइड होता है कि वो इंसान सरेंडर कर रहा है, उसको मजबूर किया गया है, उसको ऑर्डर आया है। ठीक है, इसी तरह से जब पोजीशंस जो है ना वो हैंड ओवर की जाती है, तो जाहिर बात है कि जो अथॉरिटीज पे होते हैं, जो पोजीशंस पे बैठे लोग होते हैं, उन्होंने वहां से वो ऑर्डर पास किया हुआ होता है। ठीक है, तो उस इंसान को ये कहा गया होता है कि अब तुम अपनी अथॉरिटी जो है वो दूसरे इंसान को हैंड ओवर कर दो। इसी तरह से आफ्टर निगोशिएशन निगोशिएटिंग के जो भी बातचीत होती है, निगोशिएट करने के बाद, और निगोशिएटिंग द टर्म्स, जो भी टर्म्स है उनकी बातचीत के बाद, द सीईओ एग्रीड टू हैंड ओवर कंट्रोल ऑफ द कंपनी टू द न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक, कि जब भी वो निगोशिएशन चुके हुई, टर्म्स वगैरह जो है वो डिसाइड हुई, तो फिर सीईओ जो था वो अग्री हुआ। अब यहाँ पर वो क्या हैंड ओवर कर रहा है, अब वो कंट्रोल को हैंड ओवर कर रहा है। जैसे मैंने आपको कहा ना, ताकत को, अथॉरिटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंड ओवर किया जाता है, एक इंसान से दूसरे इंसान को मुंतकिल कर देना, ट्रांसफर कर देना। ठीक है, तो सीईओ जो ना फिर वो इस बात पे माना कि वो हैंड ओवर कर देगा कंट्रोल को, जो भी कंपनी का कंट्रोल है, न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। ठीक है, जो नए बीओडीज हैं उनको जो है वो हैंड ओवर कर रहा है। तो हैंड इन, हैंड आउट और हैंड ओवर। हैंड इन का क्या मतलब है, सबमिट करवाना। ठीक है, हैंड आउट का क्या मतलब है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं बहुत से लोगों में, और हैंड ओवर का क्या मतलब है, आप किसी चीज को या तो सरेंडर कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये इन तीनों फ्रेजल वर्ब्स का जो मीनिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड भी, और आपके जो भी एग्जाम्स है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होंगे, एंड आई सी यू नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़।